गाइज स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। सो दोस्तों आज ही के दिन में मैं दो ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। दो बना रहा हूँ दोस्तों। एक तो मैंने आपको पूरा का बना दिया हूँ और ये दूसरा जो हिंगोली में था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो रहा था मंदिर, जो खटकाड़ी महादेव मंदिर, खटकाड़ी बजरंग बली हनुमान मंदिर, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ दोस्तों। बट ये जो था, ये बचा था, ये है शंभूपुरा जी खंडेश्वर महाराज संस्थान। तो मैं इनको आपको दिखाऊँगा आज के लिए। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यही है दोस्तों, मैं आज की डेट में दिखाऊंगा आपको। मैंने सोचा यार चलो क्यों ना टाइम का फ़ायदा लिया जाए, है ना। तो समय था, मैंने सोचा अभी बनाएंगे। तो अभी मैं कर चुका हूँ एंटर इस मंदिर के अंदर, तो अभी आपको दिखाएंगे समय यहाँ का, ठीक है। गाइज यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बट वो जो सामने दिख रहा है आपको वो है महादेव का मंदिर शिव शंभू का। और दोस्तों इस जगह पे ये जो यहाँ पे जो महाराज है इनका समाधि बना है दोस्तों। और इनको ऐसा कहा जाता है, यहाँ का इतिहास इस तरह से है कि इन्हीं संत को, इन्हीं महाराज को एक मतलब भगवान प्रसन्न हुए थे और ये एक पैर के ऊपर खड़े रह के उन्होंने साधना की थी, मतलब एक प्रार्थना की थी भगवान की। इतनी ज़्यादा भक्ति उन्होंने की थी एक पैर पर खड़े रहकर कितने बहुत सारे साल, ठीक है ना। तो ये यहाँ का हिस्ट्री है, ऐसा कहा जाता है, उतना कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारा यहाँ का व्यू, ए टू जेड, जो भी बजरंग बली का मंदिर है, शिव शंभू का मंदिर है और वहाँ पे अपनी दुर्गा माता का भी मंदिर है, ठीक है। तो मैं आपको तीनों दिखाऊंगा आज, तो चैनल के साथ बने रहिए। चलो सो गाइस मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये है अपना शिव शंभू का मंदिर, ये है बजरंग बली का, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उस साइड में जो बना है वो है माँ दुर्गा का, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी उधर का दिखाया हूँ आपको, बट यहाँ पे कहाँ का दिखाना, क्योंकि देखिए हिंदी मारा है। महाकाल का यहाँ पे मंदिर है और उस साइड में दुर्गा माता का, मैं आपको दुर्गा माँ का भी दिखाई। सो गाइस घोड़ा कैसा लगा ज़रूर बताना। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बजरंग बली का है मूर्ति, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये इसको मंदिर नहीं बनाया दोस्तों, वैसे लाए थे वैसे ही इनको यहाँ पे रखा है, पूरा लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है बजरंग। और गाइस यहाँ पे बना है माँ दुर्गा का ये मंदिर छोटा सा, अंदर में है माँ दुर्गा का मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे तीन चार और भी है उस साइड में, ठीक है, उधर भी दिखाएंगे। पहले इनको देख लो, यहाँ का इस तरह से कुछ नज़ारा है ये यहाँ का, गाइस मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे ये साधु संत रहने का इनका जगह है दोस्तों, उनको बनाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे गौशाला है इस साइड में दोस्तों, ये है माता जी का ही मंदिर है। यहाँ पे यंत्र अंबिका देवी का मंदिर है, मेरा यंत्र व ललिता अंबिका देवी मंदिर इस साइड में बना हुआ है यहाँ का, ठीक है। वो भी एक है माता का ही मंदिर, तो ऐसे बने हैं यहाँ पे इस तरह से। और ये देखो ये छोटी छोटी लड़कियाँ अभी आई है माता का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज फेस्टिवल है हमारे यहाँ का, तो बहुत अच्छा लगता है आज के डेट में। अभी उधर तो ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा उस गाइस इस साइड में देखो ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, बट कम है। और यहाँ पर छोटी सी यात्रा बनी हुई है आज हुआ है इसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर बनी हुई है, तो देख लो आप। अभी मैंने बैल के साथ फ़ोटो खींचा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैंने खटकाड़ी का ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो जाकर चैनल के ऊपर, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना आपको, ये हमारे हिंगोली का आपको दिखाना रहा है, बट एक दिन इसका भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आज तो नहीं हो सकता, अभी शाम हो चुकी है, अभी मुझे जाना भी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको अभी के लास्ट के वीडियो में दिखाया जो कि महादेव का मंदिर और थोड़ा सा खटकाड़ी का व्यू, ठीक है। सो गाइस ये है हिंगोली का आन बान शान, जो हमारे हिंगोली की पहचान, ये है अन्ना साहेब देशमुख साहेब पुल का पुल है दोस्तों, ये ब्रिज है, नीचे से रेलवे जाता है उस साइड में, ठीक है। और ये ऊपर में ऐसा पुल बना है, रात में दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखता है रात के टाइम में। यहाँ पर पूरा ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं दोस्तों, ये वाले पिलर, तो इसके अंदर बहुत ही शानदार दोस्तों लाइटिंग लगती है कलर कलर की, सो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। ये है हिंगोली का पुल,
देख लो, कभी आओ हिंगोली तो देख लेना इसके ऊपर। और खास करके आए तो रात में आना, इस पुल के ऊपर रात में मजा आएगा, ठीक है? ऐसा दिन में मजा नहीं आता। अभी दिन है तो ये हिंगोली है, इस साइड में भी हिंगोली है और इधर भी हिंगोली है, ठीक है? तो आज मैंने आपको बोला का ये पुल, मुझे लगा यार चलो पुल दिखाते, तो मैंने दिखा दिया। तो कैसा लगा कमेंट में बताओ। गाइस आपने देखा आज हिंगोली का पोड़ा, और उसके बाद दोस्तों ये आज के ब्लॉग में देखा, अभी के ब्लॉग में देखा दोस्तों आपने यहाँ का हमारे खटकारी का जो बचा हुआ पार्ट था, जो कि एक संत का जहाँ पे उनकी समाधि है, और इसके अलावा महादेव मंदिर, दुर्गा माता मंदिर और साथ में हनुमान जी का मंदिर, ठीक है? तो ये सारा चीज़ दिखाया हूँ दोस्तों, और खटकारी का थोड़ा सा व्यू दिखाया हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, अभी के ब्लॉग में इतना ही था। आज तो मैंने दो ब्लॉग बनाया हूँ, वो ऑलरेडी एक एक दिन आएगा अलग अलग दिन करके, बट अभी का ब्लॉग में आपके आपने देखा यहाँ का खटकारी का व्यू। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलेंगे बहुत जल्द कल नए ब्लॉग के साथ में, एक नई जगह के साथ में, ठीक है? और उम्मीद है दोस्तों कल मेरा प्लान है कि यात्रा का दिखाऊंगा आपको, कल यात्रा है हमारे यहाँ की, तो यात्रा का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कल का ब्लॉग, ठीक है? वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको नई अपडेट ऐसे ही मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।